तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए ऐसी अपडेट लेके आया हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था दोस्तों। बिग अपडेट जो है वो शॉर्ट वीडियो के बारे में है। दोस्तों पहले होता क्या था, जब हम शॉर्ट वीडियो पर वीडियो अपलोड करते थे ना ही हम वहाँ से अर्निंग कर पाते थे और ना ही हमारा वॉच टाइम यूट्यूब के साथ जुड़ता था। दोस्तों अब जो यूट्यूब की तरफ से अपडेट आई है शॉर्ट वीडियो के बारे में, वो ये है कि आप जब शॉर्ट वीडियो पर वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ से जो जितना भी वॉच टाइम आएगा वो आपका यूट्यूब की वीडियो के साथ जुड़ेगा। आप वहाँ से अर्निंग भी करेंगे और शॉर्ट वीडियो में भी आपको ऐड आएंगे जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट वीडियो वो मानी जाएगी जिसका लेंथ एक मिनट से कम होगा वही यूट्यूब शॉर्ट मानी जाएगी। दोस्तों अब मैं ये बात करता हूँ हमारी कौन सी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज आएगा और उसका वॉच टाइम यूट्यूब की वीडियो के साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहली बात, यूट्यूब के एप्लीकेशन में एक सेक्शन बना होगा जहां पर आप क्लिक करके शॉर्ट वीडियो में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको टिकटॉक की तरह स्विप अप करना है, जहां पर सभी शॉर्ट वीडियो आपको नजर आएंगी। और अगर आप वहाँ पर शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वॉच टाइम आ जाता है, तो उसका वॉच टाइम आपकी यूट्यूब की वीडियो के साथ नहीं जुड़ेगा। अदरवाइज आपका शॉर्ट वीडियो किसी दूसरे तरीके से किसी के पास जाता है, जैसे कि यूट्यूब ब्राउज फीचर में आपकी वीडियो को दिखाता है। ब्राउज फीचर का मतलब जैसे कि हम होम पेज को इंस्टॉल करते हैं और हम स्विप अप करते हैं, नीचे हमारी वीडियो शो होती है, किसी को पसंद आती है, अगर वो क्लिक करके देखते हैं तो दोस्तों उसका वॉच टाइम भी हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ जुड़ेगा और हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ब्राउज फीचर में जो हमारी वीडियो है कि यूट्यूब हमारा उसका वॉच टाइम यूट्यूब की वीडियो के साथ जुड़ेगा। और अगर सजेशन में भी हमारी वीडियो होती है, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे भी आपकी शॉर्ट वीडियो आ सकती है, अगर वहां से भी आपकी वीडियो किसी ने देख ली है तो उसका भी वॉच टाइम हमारी यूट्यूब वीडियो के साथ जुड़ेगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम दूसरी बात की तरफ कि शॉर्ट वीडियो पे हमें अर्निंग होगी कि नहीं। तो दोस्तों अर्निंग हमें होगी, क्यों नहीं होगी दोस्तों, अगर एक मिनट से भी कम वीडियो है उस पर भी एड चलेगा और उससे भी हमें अर्निंग होगी। तो दोस्तों शर्त यह है कि जब आप यूट्यूब से डायरेक्ट ही वीडियो को अपलोड करते हो शॉर्ट वीडियो, यानी कि जैसे यूट्यूब के एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं वहां पर आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन जो नजर आता है उस पर क्लिक करके आप वीडियो को अपलोड करते हो और यूट्यूब के सॉन्ग पे ही आप वीडियो को अपलोड कर लेते हो, वहां पर आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अगर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आता तो आपको एड्स नहीं आएंगे और अर्निंग आप नहीं कर सकते। अर्निंग आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने यूट्यूब की म्यूजिक को यूज किया है, इसलिए आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों अर्निंग करने के लिए आपको जो म्यूजिक उठाना है वो किसी और एप्लीकेशन से एडिट वगैरह करके आप वीडियो को बनाकर अपलोड कर सकते हैं जिसपे आपको अर्निंग भी होगी और एड भी आएंगे। तो दोस्तों जैसे मैं मोबाइल पकड़ के अभी एक मिनट की वीडियो बना लेता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ, इसमें तो कोई म्यूजिक नहीं है ना, अगर मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो दोस्तों इससे मेरी अर्निंग होगी और ये वीडियो मेरी मोनेटाइज भी होगी। लेकिन दोस्तों हमारी जो 4-5 मिनट की वीडियो होती है नॉर्मल जो हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उससे जो हमारी अर्निंग होती है उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा जरूर, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर शॉर्ट वाले ऑप्शन से कोई हमारी वीडियो देखेगा हमारा वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा, अगर हम यूट्यूब का म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारा अर्निंग नहीं होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।